आगे आगे आना भाई, थोड़ा सा आगे से तड़ जाओ, कभी चलो थोड़ा आगे था रोक ले भाई इसमें। सुनो अगर इसमें बैठेगा तो आगे वो दूसरा कट चला दो कवरेज की। कैसे कर पकड़ोगे? गिर जाओगे चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों चौटाला स्वयं ट्रैक्टर चला करके जा रहे हैं और उनके साथ हैं ट्रैक्टर पर सीपी हैं, डीसी साहब हैं और अरविंद भारद्वाज प्रदेश के प्रवक्ता हैं जेजेपी से। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें देखिए। रोक ले भाई, एक बार उठना हाथ उठा रहे, एक जगह खड़ा हो जाना, बैठ जाओ, अरे जगह शौक है, बैठ जाओ। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक चौधरी हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं एक तरीके से कि आगे आगे ट्रैक्टर पर दीपक चौधरी और पीछे पीछे दुष्यंत चौड़ालाल दूसरे ट्रैक्टर पर आए हैं और आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं प्रदेश। देखिए लाइव तस्वीरें आप सीधे और आप देखिए सीधे हम बाढ़ के उसमें ट्रैक्टर पर बैठ करके आपको कवरेज दिखाने का काम कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव, अगर कृपया आप सभी से एक अनुरोध है कि ये प्रोग्राम शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि अगर आपको सीधी लाइव तस्वीरें देखनी है तो आप शेयर करते रहें। आप सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं लाइव तस्वीर इन्हें दिखा दे। हाँ जी क्या कहोगे चौधरी साहब? आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई साहब दुष्यंत चौटाला के लिए स्वयं
ट्रैक्टर चलाकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ऐसा नेता, ऐसा युवा नेता लोगों को सदियों में मिलता है। जी जो दीपक भाई कह रहे हैं, देखिए आप, सुशील चौटाला जी खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं, खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी माने सुशील चौटाला जी पूरी तरीके से मदद करेंगे। देखिए आप सबसे एक अनुरोध है कि कृपया शेयर जरूर करते रहे, थोड़ा चलो भाई थोड़ा आ जाते आप एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, आप पीछे साइड देखेंगे अभी उतरेंगे जब हम आपको दिखाएंगे, सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम यमुना नदी पर इस समय बिल्कुल एक्यूरेट आ चुके हैं, यहाँ पर देखें पूरे शासन प्रशासन का अमला मौजूद है। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखिए, देखिए दुष्यंत चौटाला स्वयं ट्रैक्टर चला कर लाए हैं, उनके साथ डीसी सीपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी। सड़क आपकी बैठ आगे से था इधर से ऐसे ये वोट करनी था इधर से। हाँ जी अमित जी, वो नीचे से मिट्टी निकली हुई है, चल इसी से सब जुड़ रहे हैं। डीसी साहब सर और
परमार्थ नहीं है काम के लिए बहुत सारा अभी रेडी है सर आपका पहले हाँ हाँ चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं किसान है लोगों को ऐसे कहीं के जो साथ हैं और कहीं भी जो अरे दो दिन पत्रकारों का कवरेज के लिए जाना पड़ेगा ना एक एक और दो और चुके हैं लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक और ऐसे चले क्या पत्रकारों के है इसमें कह रहे पांच ही आदमी ठीक है उसमें मैं पूछू ना पांच की तरह जो सर प्रेस वाले भी इसमें आ जाए ना भाई सर डी साहब प्रेस वाले आ जाए ना इसमें क्षेत्र का जो है फिलहाल यहाँ पर दौर कर रहे हैं साफ तौर पर आप छावनी से जो है पूर्व सरपंच जो है राकेश शर्मा साथ में उपायुक्त महोदय आयुक्त महोदय और साथ में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेश नागर साथ में मौजूद होकर जो है फिलहाल क्षेत्र का मुआयना कराने के लिए गए हैं आपने तब देख सकते हैं जो बाढ़ क्षेत्र है यहाँ पर जायजा ले रहे हैं
डिप्टी सीएम एक बार वोट ले लो भाई, वो पीसी वोट जाएगी अब वो लाइफ जैकेट दे दो, लाइफ जैकेट दे दो, मेरे आधे आधे साइड आप आधे करता है।